ये देखिए पैलेस की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए यहाँ गार्डन बने हैं। आप लोग हेरिटेज होटल जाते हैं तो आज स्विमिंग पूल। तो भाई हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और हमने ये जीप ली है। ये भैया जी हमारे साथ हैं जो हमको समझाएंगे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर और एक और ये भैया लिए हमने हमारे गाइड साहब। मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी और मैं यहाँ से लोकल हूँ और आपका टूरिस्ट गाइड हूँ यहाँ पर। तो अब चल रहे हैं हम आमेर के किले, पूरा गाँव सोते हुए जाएंगे ऊपर। पहला फिल्म देखा है स्टेप फिल्म, तो दीदी को भी दिखा दो। अच्छा ये कुंड है जी सर, ये है सर स्टेप है। तो आप लोग राजस्थान विजिट करें तो राजस्थान के जयपुर ज़िले में ये जो स्टेप वेल बनाई गई है पानी के लिए बनाई गई है, क्योंकि राजस्थान में पानी की समस्या रहती है, इसीलिए कुएं बावड़ी तालाब ये बनाया गया है। तो देखना ये हिल्स एरिया है तो बरसात यहाँ कम रहती है, तो बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए झील बनी हुई है। और ये जो देख ले पानी अभी 30 फुट डीप है। अच्छा यहाँ तक इसका भराव आता है तो ये 50 फुट हो जाता है टोटल। और इसमें आप लोग देख रहे हैं काफ़ी स्टेप वेल बना रखी है, तो ये जो स्टेप दी गई है पानी के लिए बनाई गई है, क्योंकि उस समय छुआछूत जातिवाद चलता था, तो जो ऊँचे कुल के लोग थे वो नीचे लोगों से घृणा करते थे, इसके लिए अलग अलग घाट बनाए। अच्छा तो ये पानी बढ़ता भी है इसके ऊपर? पानी यहाँ तक आता है छज्जे तक। अच्छा छज्जे तक आता। और ये जो मंदिर देखें ये बिहारी जी का मंदिर है, तो यहाँ 365 मंदिर है। सिटी का जो नाम अंबर रखा गया है, यहाँ 10th century का भगवान शिव जी का मंदिर है अंबर नाम से, तो अब इसे आमे नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 20 आइलैंड है। इस तरह सिटी को कवर करने के लिए जो देखा आप लोग वॉल बनी हुई, जैसे कि हमने द ग्रेट चाइना पुल का नाम सुना है, हनुमानगढ़ का किला देखा, ऐसे ही 12 किलोमीटर में वॉल बनाई गई है। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा 2021 में एक आकाशीय बिजली पड़ी थी, कुछ लोग मारे गए थे, वो सामने जो देख लो गोल्ड टावर बना हुआ, अच्छा। वो आकाशीय बिजली पड़ी थी जिसमें 11 लोग मारे गए थे। तो ये राजा की सिपाही की चौकियां होती थी जिसमें मॉर्निंग टाइम में ड्रम्स यूज किए जाते थे और रात्रि के लिए मसाल। इसका जो कनेक्टेड है वो है जैगर फोर्ट, जो पुराने समय में से चीलों का टीला कहा जाता था, वो जैगर फोर्ट है। जैगर फोर्ट इसके अलावा सिटी को काशी भी कहते हैं। तो इस सिटी में 365 मंदिर बनाए गए हैं तो राजा के समय से बसे। और ये जो सिटी आप लोग देख रहे हैं ये पहले मीना लोगों के पास थी, तो मीना आदिवासी जनजाति है, तो ये कबीलों में रहा करती थी। यहाँ की जो रॉयल फैमिली वो है सूर्यवंशी, जिनका रेजिडेंट आज भी सिटी पैलेस में। आइए एक मिनट। कृष्ण और मीरा का मंदिर, बिल्कुल राजस्थान में एक मंदिर है जिसमें मीरा के साथ कृष्णा का मूर्ति रखी है। अच्छा वो 500 साल पुराना मंदिर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। ये है भाई अपनी गाड़ी जो 10th century का बना, इसी के नाम से इसे अंबर नाम दिया गया। इस वाले मंदिर को इसी के नाम से अंबर अंबर दिया गया। ये देखिए भगवान शिव और पार्वती के नाम से इसे अंबिकेश्वर दिया गया, यानी कि आप लोग जानते हैं राजस्थान में तीज गणगौर फंक्शन मनाते हैं, तो ये अंबर। ठीक है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये मीरा मंदिर है, देखना है क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगा। अपने जोधा भाई का पैलेस। अच्छा सामने दरवाजे देख रहे ना, वो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं येलो कलर का, हाँ वो जोधा भाई का घर है। तो जोधा भाई यानी कि अट्ठा भाई जिनका युवा अफवर से किया गया था, तो जोधा भाई राजा भारमल की लड़की था, उनका महल है। ये ओल्ड है इसीलिए इसमें अलाउड नहीं है जाना। आप लोग ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप लोग, हाँ जी, यहाँ की लोकल लोगों की गाड़ी खड़ी है। अच्छा इसमें अलाउड नहीं जाना? इसमें जाना अलाउड, ये मतलब जोधा अकबर का, जो जोधा अकबर वालों का। गाइस अब रास्ता फील कर सकते हैं हम कैसे पुरानी किलों में जैसे होते हैं सब मीनाकारी के लिए काम।
तो गाइस जीप से हम ऊपर आ गए हैं, अब हम आमेर के किले के अंदर ही हैं, बस चढ़ाई कर रहे हैं। और पहले मैं एक बार पैदल आ चुका हूँ यहाँ से, जो नीचे से पूरा पैदल आते हैं, और उसके बाद हाथियों में भी मैं आ चुका हूँ। आज फर्स्ट से मैंने जीप ली है और जीप काफ़ी सही है, 450 रुपये लिया है जीप वाले ने मुझसे, और 200 रुपये हमारे भाई साहब गाइड जी ने, काफ़ी बढ़िया है। बाकी 50 रुपये की एंट्री होती गाड़ी की, वो भी गाड़ी का इंक्लूड ही होता 450 में। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। कोई तो कह रहा था यहाँ पे आना ही नहीं है, इतनी गर्मी है, आमेर का किला ना आए तो जयपुर नहीं देखा। थोड़ा दूर जा, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ दीदी। कोई बात नहीं, देखिए आप लोग किले के अंदर एंट्री कर चुके हैं। हाँ। तो आप लोग देखिए, पुराने समय में किले महल बनाए जाते थे, वास्तुकला इन चीज़ों को देखा जाता था। तो वास्तु के हिसाब से जो सामने एंट्रेंस दिया गया वो सन डायरेक्शन में बना, जिसे बोलते हैं सूरज फोल। अच्छा। तो राजा महाराजा के समय क्या होता था, एलिफेंट होता था, हॉर्स होते थे, कैमल होते थे, तो उनका सवारी यहाँ से आया जाया करता था। ठीक। अब महारानी को कहीं से लाया जाता था, पालकी डोली से। इसके अलावा देखिए ये जो रूम देख रहे हैं आप लोग, जो ऊपर बनाए गए हैं, आज आप लोग देखिए आर्मी में या पुलिस में भर्ती में, यानी कि सिपाहियों को भर्ती किया जाता है, उनकी योग्यता इन चीज़ों को देखा जाता है। तो राजा के समय भी यानी कि सिपाहियों को भर्ती करने के लिए इन चीज़ों को देखा जाता था। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप लोग, ये उस सिपाहियों की ही चौकी रूम्स होते थे, जो विशेष तौर पर मॉर्निंग टाइम में दंड कसरत वर्कआउट करते थे, उनको रखा जाता था। और नीचे वाला जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये शस्त्र के लिए बनाया गया, जिसमें तलवार भाले छोटी तोपे ये चीज़ें रखी रहती थी। इसके अलावा देखिए सन के सामने एक और एंट्रेंस बनाया गया, जिसे बोलते हैं मून गेट। अच्छा, जिससे हम अभी आए हैं वो मून गेट है। बिल्कुल। तो ये मून डायरेक्शन में महारानी लोग होती थी चंद्रवंशी, जिससे राजा लोग अपनी शादी करते थे। इसके अलावा देखिए इसमें शाही नौकर का नकार खाने बने हुए, एक ड्रम्स भी दिया गया जो मॉर्निंग टाइम में देवी माँ की पूजा के लिए। अच्छा, ये वो ड्रम है जो एंट्रेंस पे भी बजता था। इसके अलावा देखिए ये जो ऊपर है, जो ड्रम है, और ये सामने ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, अस्तबल वाला एरिया बनाया गया, और इससे ऊपर वाला जो रूम्स है वो बंगाली पुजारी के रूम्स बनाए गए, जो यहाँ देवी माँ का मंदिर है जो बंगाल से लाया हुआ। और इसके अलावा ऊपर वाले जो सेक्शन देखेंगे आप लोग, वो राजा के गेस्ट लोगों के लिए बनाया गया। इसके अलावा ये ओपन जो ग्राउंड रखा गया, इस ग्राउंड का नाम है जलेब चौक, जहाँ राजा की बड़ी आर्मी में सब कुछ सेना की परेड लेते थे, छोटे मोटे फंक्शन होते थे। इसके अलावा मल्लयुद्ध और राजा के विशेष योद्धाओं के द्वारा प्रदर्शन भी दिया जाता था, और ये रात को खुला रहता है 8 बजे तक, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, 8 बजे तक खुला रहता है। ठीक है। तो ये लाइटिंग देख रहे हैं आप लोग, ये लाइटिंग दी गई है, जैसे पुराने समय में चिमनी मसाले होती थी, वैसे इसकी लाइटिंग रखी गई। ये जो धूमर भी पुराने है। हाँ, ये सब पुराने ही है। तो गाइस अब हम टिकट लेने जा रहे हैं, अंदर ऊपर आने के बाद 100 रुपये ईच एंट्री है, मतलब 200 रुपये लगेगा हमारा। ऐसा कुछ सा है, एंट्री लेनी पड़ेगी। भैया दो टिकट। तो ऐसा कुछ सा टिकट है, 100 रुपये एक का, हम दो जने हैं तो 200 रुपये। अब हमारा गाइड भाई हमें ले जाएगा। देखिए 16th century का बना हुआ राजा का कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिसे बोलते हैं अपन दीवानी आम, यानी कि आम लोगों के लिए दरबार। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, चारों तरफ से बनी है, जिसे 48 पिलर में बनाया गया, जिसमें देखिए सैंड स्टोन 22 स्टोन दिया गया। ये राजस्थान के करोली मकराना से ये वाला, ये वाला कौन सा है? ये मकराना से लाया हुआ मार्बल है। ये वही जो ताजमहल, ताजमहल आपको बताया। और ये जो पत्थर देख रहे हैं सैंड स्टोन, जैसे कि आप लोगों ने रेड फोर्ट देखा जहाँ आप लोग रहते हैं, तो ये करौली से लाया गया। अच्छा। तो ये जो दोनों पत्थर है, इसका जो फिनिशिंग पॉलिश किया गया, पूरा हैंडमेड रखा गया, अब तक इसमें कोई मॉडिफाई नहीं। इसके अलावा इसे वास्तु के हिसाब से देखते हैं तो इसमें देखिए चारों तरफ एलिफेंट दिए गए, तो ये राजपूत आर्किटेक्चर के हिसाब से धन का प्रतीक बनाया गया। ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये पर्शियन आर्ट में रखा हुआ डिजाइन है। ये वाला जो देख रही है मुस्लिम, यानी कि मिक्स आर्किटेक्चर, कमल है जो है। गाइस नीचे देखो, नीचे ये कमल है जो मुस्लिम का सिग्निफिकेंस दिखाता है, और ये ऊपर जो है हिंदुओं का एलिफेंट, तो ये उस हिसाब से बनाया गया है। लाइटिंग अभी 2030 से लगाई गई है, क्यों लगाई गई, हेरिटेज
ये डॉग जैसी बनाई गई है जिसमें राजा ने के समय चिमनी भी रखी जाती थी। ऊपर ये जो खड़ा देखते इसमें कपड़े की फैन। एक ये जिससे ताजमहल बना है ये वो वाला है, एक ये जिससे हमारा लाल किला बना है ये वो है। बाजरा जो ये करते थे आज तो गेहूँ करते थे, आप लोग जानते हैं चाय ब्रिटिश गवर्नमेंट से है तो पहले नेचुरल तौर पे खाना ये बनता था, तो ज़्यादातर राजा जो प्रजा होती थी बाजरे का ज़्यादा यूज़ करते थे। और सामने वाला जो पार्क देख रहे हैं वो 18वीं सेंचुरी का बना हुआ पैटर्न है जहाँ राजा ने बिलियर्ड खेलने के लिए बिलियर्ड कक्ष बनाया। अच्छा, तो ये ब्रिटिश पैटर्न था। इसके अलावा देखिए ये वाला जो एरिया आप लोग देखेंगे ये राजा ने 27 ऑफिसर के लिए बनाया, यानी कि राजा के पास 27 गांव आते थे। तो आप लोग जानते हैं जमींदार आज एक MLA होता है तो वो पूरे जिले का मालिक होता है, तो जितने राजा के 27 ऑफिसर थे जितना वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन ये होता था वो राजा के सामने पेश करते थे, तो उनके ऑफिस बनाए गए। इससे आगे चलेंगे तो वहाँ है राजा का 33वां। अच्छा, तो उस समय का विदाउट लाइटिंग गीजर देखेंगे, स्टीम बाथ देखेंगे, जगोजी देखेंगे। और सामने वाला जो दरवाजा देख रही है दीवाने खास में जाने का मेन एंट्रेंस है जिसका नाम भगवान गणेश पर रखा गया है। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें सुंदर सुंदर मीनाकारी नक्काशी दी गई है, तो ये कलर है पूरे वेजिटेबल कलर। तो जयपुर सिटी में ब्लॉक पेंटिंग का जो काम होता है जिससे कई चीज़ें बनाई जाती है उससे बनाई जाती है। सेकेंड जो कलर है वो स्टोन कलर है, तो आप लोग जानते हैं जयपुर में जेम्स का काम होता है, सवाई जैसे बहुत बड़े एक्सपोज है जिन्होंने दिल्ली जयपुर मथुरा उज्जैन बनारस उसमें उस समय का इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेटर के हिसाब से जंतर मंतर बनाए, तो उस समय का साइंस। तो ऊपर वाली जो विंडो है वो महारानी लोगों के लिए रखी गई है, तो पुराने समय में महारानी लोगों को पर्दे में रखा करते थे, पर्दा सिस्टम था। और आप लोग जानते हैं राजा की उम्र के लिए रानी लोग प्रार्थना भी करते थे, इस सेक्शन में विधवाओं का अलाउ नहीं था। जब भी राजा का छोटा मोटा प्रोग्राम होता था तो रानी लोग वहीं से देखती थी, बाकी अदर्स कोई भी जेंट्स महारानी को नहीं देख सकता, इस हिसाब से जाली बनाई थी। आइए ये देखिए पैलेस की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए यहाँ गार्डन बने। आप लोग हेरिटेज होटल जाते हैं तो वहाँ स्विमिंग पूल गार्डन ये चीजें बनाई जाती थी, तो राजा के समय जो आर्किटेक्चर था बहुत ही बेहतरीन था, उन्होंने उस गार्डन को बनाया। तो ये एक चीज मुझे पता है, ये यहाँ पर केसर की खेती करने के लिए तो शुरू किया था ना, जो कि नहीं हुई थी, प्रयास किया मगर वो कुछ समय के लिए रहा, क्योंकि ठंडे इलाके में केसर उगता है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। अगर आप लोग किसी भी चीज को प्रयास करोगे अगर भगवान को कोई करोगे तो वो मिलेगा। तो महाराजा ने मान सिंह ने अपनी बात सबसे पहले पटना ने कनकापति के यहाँ सैकड़ों के प्लांट लगा के जब लाए गए, जब इसे बनाया गया होगा तो इसे आसाम में टी गार्डन का जैसा रखा, तो आप लोग जानते हैं आसाम में टी गार्डन होता है। दूसरा सैफरन को चाहिए कूली, क्योंकि बिगर कूली के सैफरन नहीं रह सकते, इसलिए नेचुरल जो झील बनी है माउटा झील जिसमें बरसात का पानी को इकट्ठा किया गया है, क्यों किया गया इसमें नमी बनाने के लिए, क्योंकि बिगर नमी के सैफरन नहीं रह सकते, तो कुछ समय के लिए यहाँ सैफरन रही होगी, तब से इसे बोलते हैं सैफरन गार्डन, जबकि अपन खेल नहीं सकते चीज हुई होगी, तो उन्होंने सक्सेस कराई हुई थी बट बाद में फिर नहीं हो पाया क्योंकि क्लाइमेट था उस समय। और वो जो गार्डन देख रहे हैं उस गार्डन का नाम है दिलाराम, वो कभी गेस्ट लोगों के लिए होता था। उसके डिजाइन देख रहे हैं ज्योमेट्री डिजाइन में बना हुआ है, सैंड स्टोन पर बना हुआ छतरी देखें तो रानी का पालकी जैसा, ऊपर से देखें तो एलिफेंट का पीठ जैसा। और ये बीच बीच में आप लोग जो देख रहे हैं सिपाही की चौकियां बनी, जैसे आप लोग जानते हैं आर्मी में बंकर होते हैं ऐसे ही चौकियां बनाई गई सामने वाले बिल्कुल। और सामने जो चेयर लगी हुई देख लो वो आप लोगों के लिए लाइट एंड साउंड पैसे लीजिए, वो अभी भी होती है बिल्कुल, कब होती है शाम को 6:30 से। अच्छा होती है, हाँ लाइट एंड शो होता है यहाँ पर, हाँ ये तो देखने वाली चीज थी। और सेकंड आप लोग देखिए जो अगली बार आते हैं इसके लिए पानी जो देख रहे हैं इस पानी को ऊपर भी लाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में जो पानी की प्रॉब्लम है मैं आप लोग जानते हैं राजस्थान में कभी पानी नहीं हुआ तो पानी की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। ये देखिए छोटे छोटे आप लोग देख रहे हैं टैंकर बने हुए हैं, तो इन टैंक से पानी को ऊपर लाया जाता था और स्टोर किया जाता था। ये देखिए पुराने समय का गीजर है, उस समय लाइटिंग थी नहीं, मशीन थी नहीं, तो गीजर का काम करेगा चिमनी। इसे फायर करने के लिए देखिए इसमें दो बड़े छेद दिए हैं, एक लकड़ी कोयले के लिए एक वेंटिलेशन के लिए। जैसे नीचे से लकड़ी कोयला जलाएंगे इसमें लगा अंदर चूना कॉपर हीट होगा और पानी की टंकी को बॉयल करेगा, जब पानी बॉयल होगा तो हवा से बनेगा स्टीम बाथ। अब इस पैटर्न को अलग क्यों रखा गया, अलग आप लोग जानते हैं हम किसी भी चीज को जलाएंगे तो उसकी धुआं चारों तरफ बनेगी, इसलिए इसको बाहर की तरफ रखा गया। तो सिर्फ पानी यहाँ पे नीचे रहता है, पानी सर अंदर है। अच्छा अंदर है। भाई रास्ता देखिए ये कैसा रास्ता है, बिल्कुल ही अंधेरे वाला।
अच्छा, ये वो जहाँ से गर्म होता था। अब अपन ने नीचे से देखा गीजर, तो गीजर से पानी यहाँ फायर किया जाता था। पहले मस्के होते थे चमड़े के, जिससे पानी भरा जाता था। तो ये गर्म पानी का टैंक है और ठंडे पानी का टैंक। जैसे नीचे से पानी फायर होना लगेगा तो यहाँ से बनेगा स्टीम, ठंडे गर्म पानी का। जब स्टीम बनेगा तो यहाँ चारों तरफ ये पर्दे लगा देंगे। जब तक राजा रानी स्टीम लेंगे वो पर्दा लगा देगा। अच्छा, एक तरह का ये सोना हो गया। जैसे पर्दे धीरे धीरे टपकेगी, मगर राजा ने स्टीम की बूंद को बचाने के लिए इसकी छत्र की डायमंड कर दी। तो ये जो कॉर्नर देख रहे स्टीम की बूंद को इस नाली में पटकने की, क्योंकि यहाँ चलता था राजा का होली बस आज योगा, और यहाँ से लेते थे सनबाद। अच्छा, ये सनबाद हो गया। आप भी सनबाद ले रहे हो क्या? तो गर्म पानी ठंडा पानी ऐसा गोल गाँव लेता हुआ इस नाले से चला जाए था, जब वो जहाँ पानी का टाइम बना हो, जहाँ राजा रानी स्नान करते थे। ये देखो जकूजी, यहाँ पे नानो के लिए। टॉयलेट कहाँ पे है? अच्छा, ये टॉयलेट है पुराने। गाइस, ये पुराने टाइम की टॉयलेट है। ये देखो, इसमें यहाँ पे ऐसे खड़े होके फिर चले। भाई बताना जरूरी है ना कैसे था। तो गाइस, ये जो जगह थी, ये पूरा सोना बाथ, सन बाथ, टॉयलेट, ये सब था। काफ़ी अच्छा सिस्टम था उस टाइम पे गीज़र का। मतलब आज के टाइम में तो यार इलेक्ट्रॉनिक गीज़र आ गए हैं, बट उस टाइम पे क्या ही दिमाग लगाया था हमने। अरे बैठना है क्या? ये है गाइस दीवाने खास। क्या बताया था? दीवाने खास। दीवाने खास में जाने का एड्रेस गणेश। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग जो पेंटिंग बनी है, हाँ। स्टोन से बनी पेंटिंग है, जैसे वो भी इमारत पन्ना और कहीं से बनाई जाती थी। अच्छा, और यही स्टोन एस्ट्रोजन के हिसाब से यूज किए जाते थे। यहाँ पे वो सोने वाली पेंटिंग वो तो भी तो है, ये रिफ्लेक्शन से जो आती है। गाइस देखो, यहाँ से जैसे ब्राउन दिख रहा है ना अभी, ये सोने के पानी से पेंटिंग की गई है, सॉरी। और अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे, ये देखिए इसका रिफ्लेक्शन होता है तो पूरा सोने का कलर दिखता है ऊपर। देखिए दीवाने खास का सेक्शन जहाँ बनाया शीश महल। अच्छा, ये शीश महल है। जल्दी आओ, फोन छोड़ दो। शीश महल देखो, शीश महल। हाँ। तो आप लोग किसी भी चीज़ का रिप्लेक्ट डालोगे तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा चांदनी और तारों का जैसा। तो महारानी लोगों को चांद सितारे पसंद थे, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन चांदनी के जैसा है। तो यही जो रिफ्लेक्शन आपको बना है, यही तार पर नीचे दिखाई दे रहा है। तारे तारे दिख रहे हैं ऐसे रिफ्लेक्ट करके ना, फ्लैश लाइट मार के। तो ये वही दिखा रहे थे अभी। तो ये जो देख रहे हैं इस पत्थर को यही बोलते हैं जो ये नकाशी मुस्लिम आर्किटेक्चर द्वारा बनाई गई। ये डिज़ाइन देख रहे हैं हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से, और ये रानी लोगों की बॉर्डर बनाई रहती थी साड़ी में। ये मार्बल के ऊपर देख रहे हैं बहुत ही सुंदर एक फ्लावर्स बना हुआ है। ये कहलाता कार्बिन वर्क, जिससे चैन थोड़े से बनाते थे। तो इसको फ्लावर्स को देखिए, इसको यहाँ से दबाने पर बनेगा सनफ्लावर। इसको यहाँ से दबाओगे ये बन जाएगा पिस। इसको यहाँ से रखोगे बनेगा एलिफेंट का सूंड। इसको यहाँ से रखोगे ये बनेगा क्रैब। इसको यहाँ से दबा दोगे ये बनेगा स्कॉर्पियन। इसको यहाँ से दबाओगे ये बनेगा स्नैक। इसको यहाँ से दबाओगे ये बनेगा लॉयन टैल। बटरफ्लाई दिख रहा आप लोगों को, इसको यहाँ से दबाओगे ये बनेगा हनी जी। इसको यहाँ से रखोगे ये बनेगा एलिफेंट का ईयर। और इसको यहाँ से दबा दोगे ये बनेगा डियर। क्या बात है भाई, इतनी मेहनत करते थे पहले लोग। इसी से जुड़े हुए कई लोसी हो जाते थे जो खजाने तक पहुँचाते थे। पहेलियाँ होती थी ना ये पहेलियों के हिसाब से तो बनाए जाते थे। आप लोगों ने देखा सर्दी के लिए पैलेस जहाँ शीश महल बना हुआ, ये बनाया गया समर के लिए। तो मई जून जैसा टाइमिंग होता काफ़ी हिट रहता है, तो राजा समर के दिनों में इस सेक्शन में आ जाते थे। तो यहाँ बनाई गई एयर कंडीशन कूलर जो हवा और पानी से पूरी बिल्डिंग को ठंडा रखता था। तो ये साइड जो है ये साइड कूलिंग के लिए, कूल समर्स के लिए। ये जो देख रहे हैं ये
ये व्हील चेयर बन रखी गई है जो सारे दूर से बनाई गई है। तो महाराणी के समय आप जानते हैं छोटे मोटे फंक्शन प्रोग्राम होते थे, महारानी लोगों का प्रोग्राम रखना, सोना श्रृंगार करना। जब महारानी यहाँ से चले तो अपना मेकअप देखने के लिए मिरर देखते निकले, तो उसके लिए मिरर भी लगाए गए। तो महारानी जब चली गई अपना रिफ्लेक्ट ऊपर की तरफ देखते निकलेगी यहाँ से। ये देखिए महाराजा महारानी के लिए एयर कंडीशन विंडो, ये मार्बल का जाली है जिसपे छोटा छोटा छेद किया गया मच्छी के जैसे। इसके पीछे खसखस का घास लगाते थे और ऊपर से मिट्टी का पाइप लगा होता था घास को गीला करने के लिए। इसका जो बेस्ट हवा है वो अंदर से पानी को काटता आएगा, तो धीरे धीरे बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। और एसी के लिए यहाँ पर्दा लगाते हैं, और आप लोग जानते हैं रूम में कई तरह के फ्लोर यूज करते हैं, तो ये बड़े छेद किए गए यहाँ फ्लोर डालने के लिए, तो हवा के साथ परफ्यूम भी स्मेल करेगा। जब पानी चलेगा तो यहाँ से चलेगा। कितनी पहले टाइम में यही तो था, ये तो अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले टेक्नोलॉजी थी पर पहले दिमाग वाले लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी। ये जो दरवाजा देख रहे हैं आप लोग, ये सैंडल वुड से बना हुआ लाइब्रेरी के नीचे जो गार्डन दिया गया है, जो चार पार्ट में बनाया गया, इसका कॉपी इसके ऊपर मैप रूप में बनाया गया है, और यही डिजाइन यहाँ कारपेट पर बिछी रहती है। ये टनल है, ये टनल है जो सीधा जैगर फोर्ट से कनेक्ट है। इसके अलावा जिन से अच्छा ये सीधा जैगर फोर्ट जाती है। तो पुराने समय में आप लोग जानते हैं राजा लोग प्रजा के पास भी जाते थे, प्रजा की इन्फॉर्मेशन भी चाहते, इसलिए बेस चेंज करके जाया करते थे। इसके अलावा राजा ने बनाई अपने इमरजेंसी के समय, अगर यहाँ कोई फाइट हो जाए, चारों तरफ से राजा घिर जाए, तो इन चीज़ों का यूज बाहर तो आप कोई जैसे जाता है बंदी कर दिया। ये सर खुला हुआ है मगर इसे अलाउड नहीं, मेरा कोई गवर्नमेंट से जाता है कोई भी नहीं, इसका खाली सर्वे हुआ बाद में बंद। अच्छा बंद हो गया। अरे ऐसी टनल्स को ना रखना चाहिए, मतलब इसको ना वो करना चाहिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ। अरे नहीं नीचे पूरा बनाना चाहिए ढंग से। ये कहाँ पर जा रहे हो? ये चल रहे हैं मानसिंह जी की महल में। अच्छा मानसिंह जी की 12 रानियों के पार्ट में। अच्छा तो उससे पहले आप लोग ग्राउंड देख लीजिए जहाँ ऊपर जैगर फोर्ट आप लोगों को दिखाई देगा, जो आर्मी के लिए बनाया गया। तो पुराने समय में इसे चीलों का टीला भी कहा जाता था। अच्छा और उसी किले के अंदर सबसे बड़ी तोप भी है। ये वाला एरिया जो आप लोग नीचे से देख रहे हैं, ये रास्ते पहले से ये क्या चीज है? ये सर टनल रूप में कॉरिडोर बनाया गया है, इतना लंबा। ये टनल में जो कॉरिडोर आप लोग देख रहे हैं, ये महाराजा ने अपनी महारानी की लोगों की सुरक्षा में। अच्छा तो आप लोग जानते हैं जहाँ जनाना रहता है तो वहाँ जेंट्स लोगों का बैंड रहता, मगर इमरजेंसी में चारों तरफ से राजा को या को दुश्मन ने घेर लिया तो राजा के सिपाहियों के अलावा यहाँ महारानी लोगों को बाहर जाने के लिए ये टनल होते थे, जिससे महारानी अपनी सेफ्टी से बाहर निकल सके। इसके अलावा आप लोग देखिए जो आप लोग पुराने समय में आप लोग जानते हैं जीने बनाए जाते थे, स्टेप इनको खड़ा रखा जाता था, क्योंकि अगर कोई आएगा तो उनके लिए तो प्रॉब्लम रहेगा, जो एवरीडे अप डाउन करेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये खड़े जीने के अलावा महारानी लोगों के सेक्शन में जाने का रास्ता था। ये रूम है, ये रूम होते थे समय के दिनों के लिए महारानी लोगों के, इसके अलावा नीचे वाले विंटर के दिनों के लिए। अच्छा तो ये महाराजा मानसिंह ने जो 12 सेक्शन बनाए हैं तो 12 रानियों के 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो ये टोटल 12 सेक्शन है, और ये भी महारानी की अलग अलग रियासत होती थी, इसीलिए महाराजा ने सभी रानियों को सेम रखा, पैसे भी मगर एक दूसरे दूसरी रानी से अलग। जब भी राजा अपनी रानी से मिलते थे तो विदाउट इन्फॉर्मेशन उनके सेक्शन में उतरते थे, मिलते थे चले जाते थे। इसके अलावा यहाँ जेंट्स लोगों पर पाबंदी, क्योंकि आप लोग जानते हैं पुराने समय में पॉलिटिक्स से ये चीज़ें चलती थी, इसीलिए राजा ने इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए किन लोगों को रखा जो सुरक्षा का काम करते थे, चापलूसी करते थे, इसलिए इनको सेक्शन में अलाउडेड किया गया। इसके अलावा छोटे मोटे प्रोग्राम फंक्शन होते थे तब एक साथ रानी मिल सकती थी, फंक्शन बनाती थी, हल्दी मेहंदे, तो उनके लिए 12 दिन बनाई जिसे बोलते कॉन्फ्रेंस। ये 12 रानियों का मिलने का स्थान, अच्छा ये 12 धरी, तो ये जो ये वाला
ये जो बिल्डिंग है मान सिंह जैसिंह सवाई जैसिंह के समय तक बनाई गई थी। तो इस बिल्डिंग को लगा था 137 साल बनने में। आज ये बिल्डिंग है पूरे पूरी बिल्डिंग आज ये बिल्डिंग है 450 साल पुरानी बिल्डिंग। तो आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ से बिल्डिंग जिसमें अब तक यानी कि काफी कुछ मॉडिफाई नहीं किया गया। दरारें पड़ गई हैं इसमें भी। पड़ गई आप लोग तो देख रहे हैं दरारें पड़ने लगे हैं इसको यानी कि थोड़ा थोड़ा किया जाता है बाकी ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया गया है। तो पुराने समय में जैसी थी वैसी ही रखा गया है। और जो खराब होती है जैसे आप लोग जानते हैं बरसात के पानी में बिल्डिंग काली ही पड़ने लग जाती है इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा किया जाता है। वहाँ से सेकंड रानी के सेक्शन में इधर से अच्छा ये सारे रानियों के वो है सेक्शन है सेक्शन रानी लोगों के अच्छा और उनका कॉरिडोर है ये। तो राजा जब भी इच्छा हुई रानी से मिलने की राजा उतरेंगे रानी से मिलेंगे चले जाएंगे। इसके अलावा पुराने समय रानी और ये कौन सी जगह है ये सबमिट एरिया। अच्छा अच्छा ये सब में सीढ़ियाँ ऐसे हैं और साथ में रूम है। पहले के टाइम में यहाँ पे कितने ज्वाला वाला आग वाग जलती होगी सिपाही खड़े रहते होंगे है ना इस सेक्शन में कितना सही तो ओनली लेडीज रहती हैं। हाँ मतलब दास दास दासी यहाँ जो रहती हैं पर कितना कितना सही लगता होगा ना उस टाइम पे ये पूरा कॉरिडोर है गाइस। पुराने समय में आप लोग जानते हैं महारानी लोगों को दासी भेजी जाती थी तो रानी का पूरा वर्क काम करती थी वो। तो ये दासी लोगों के सेक्शन बना रखे पीछे की तरफ। अच्छा ये दासियों का सेक्शन और ये रानी लोगों के सेक्शन है जैसे कि आपने देखा समर के लिए नीचे वाले विंटर के लिए जो अब आप लोग देखेंगे। आगे ये साहब उधर क्या था इधर वही जो अपन देखते आ रहे हैं। अच्छा ये राजा रानी के लिए प्रेम के लिए बनाया गया। अच्छा जब भी राजा प्रेम रानी से करते थे तो आप लोग जानते हैं इसमें गोल्ड गुंबद पे बना हुआ तो उनकी उस समय के गोल्ड बैट होते थे सुंदर सुंदर पेंटिंग चीजें लगी होती थी। और ये विंटर के लिए गाइस राजा रानी प्यार करते थे सर्दियों में तो यहाँ करते थे गर्मियों में तो यहाँ करते थे थोड़ा सा ही फासला था। अच्छा ये किचन तो ये बालकनी रूप में रसोई घर होता था जिसमें रानी के समय खाना बनता था। ये किचन है क्या यार मन करता है टाइम मशीन से जाके पीछे ना जाके देख के आऊं सब कुछ होता होता कैसे था। गाइस देखिए तो खड़ी सीढ़ियां हैं बिल्कुल फंक्शन डेकोरेट किए जाते हैं यहाँ पे रानी नाच मतलब नाच गाना भी होता गाना चलता महारानी लोगों का जैसे आप लोग जानते हैं तीज है गणगौर दीपावली है तो छोटे मोटे फंक्शन तो बनाए जाते तो इस पूरा एरिया जनानी ड्यूटी का। और ये प्रोग्राम के लिए रानी लोगों के साथ राजा बैठने के लिए शादी में फेरे होते हैं वो भी ऐसे ही किए जाते हैं। बाकी राजा के बैठने के लिए बना होता था जिसमें एक झूला लगा सबसे बड़ी रानी और राजा तो बैठे बाकी छोटी रानी आस पास। जो मूवी में देखी थी ना अपने अखर ज्योति जिसमें ऐश्वर्या को खाना बनाते हुए बताया ये वाला कढ़ाई है देखना जरा कढ़ाई कितनी बड़ी है। इस नहीं अजमेर में तो इससे बड़ी कढ़ाई रखी है जिसमें हलवा बनाया जाता है श्रद्धालुओं को दिया भी जाता है। पानी का मटका है अच्छा पानी का मटका है ये क्लाइमेट अनुसार बनाया जाता है। सर्दी का जो बनता है वो गर्मी में काम आता है और गर्मी में जो बनाया जाता है वो सर्दी में काम में लिया जाता है। तो इसे क्या है जमीन में थोड़ा खड्डा खोद के चारों तरफ पानी की नमी के साथ कूल रखा जाता है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हमने पूरा टूर ले लिया है आमेर फोर्ट का एम्बर पैलेस बोल लो या आमेर फोर्ट बोल लो। तो भाई ने वह काफ़ी अच्छा समझाया मुकेश ने। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने दिल्ली की तरफ से निकलते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे पता है कि मेरा ये फोटो नहीं है कि मैं आपको ये समझाऊँ पर काफ़ी अच्छी जगह लगी तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। तो मिलते हैं हम अगली बार। गुड बाय।